तो नहीं आए उनका भी काम होता रहे। क्वेश्चन यह है, बड़ा बढ़िया मार्कर मिल गया। इंटीग्रेशन सी, अब बताओ इसमें क्या लिखूं, जेड माइनस का 3 dz, अब कहीं की भी नहीं। फिर से पूछ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखिए यही है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड माइनस का 3 dz, अच्छा यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अपान जेड स्क्वायर प्लस का 2z प्लस का 5। मार्कर में कमी नहीं थी, यही पूरा। चलिए देखिए यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करना है आपको। और मॉड जेड इक्वल टू क्या है, 1, यही कर्व है हमारा, यही कर्व है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसा आप करते आते हैं पहले सिंगुलरिटी निकालते हैं। जब आप सिंगुलरिटी निकालोगे, सिंगुलरिटी जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस का 2z जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, यही ना होता है, डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0, मिल गया भाई, इक्वल टू 0 कर देते हैं। और फिर इसका आप करेंगे जो है क्या, अब चूंकि फैक्टर, तो फैक्टर से कर पाएंगे क्या, फैक्टर नहीं हो पाएगा इसका, तो लगाएंगे सीधराचार, लगा दीजिए सीधराचार, तो जेड इक्वल टू माइनस का बी मतलब माइनस का 2, क्लियर है सबको, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब कितना 4, और माइनस का कितना भाई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ना, तो माइनस का 20, यही ना, अपान में 2, अपान में 2, एक पेज दे दो बेटा, एक पेज दो, हाँ दो, पहले कहीं निकला हुआ है ना, देख रहे हो, इसमें आपका पानी पानी पूरा, ठीक है। तो ये जेड इक्वल टू आपका माइनस का 2 है, और इतना हो गया, सॉल्व कर लेते हैं, जेड इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 16, है ना, उसको लिख देंगे 4i, क्या लिख देंगे 4i, है ना, और अपान में 2 कैंसिल कर देंगे तो मिल जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 2i, तो जेड के दो वैल्यू मिल गए, तो लेट अल्फा, एक वैल्यू मान लीजिए अल्फा है माइनस 1 प्लस 2i एंड बीटा माइनस 1 माइनस 2i, क्लियर है, ये आपको दो रूट इसके मिल गए, यही सिंगुलरिटी हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, सिंगुलरिटी। अब क्या करते हैं, अब हमको पता करना है कि सिंगुलरिटी कर्व के अंदर है कि बाहर है, तो हमने क्या बताया था, वो सिंपल तरीका कि आप जो अल्फा बीटा की वैल्यू है उसी कर्व के इक्वेशन में जेड के स्थान पर रख दीजिए, रख के देखिए, अगर वो रेडियस से ग्रेटर आता है देन आउटसाइड, लेस आता है तो क्या होगा, इनसाइड। तो मॉड जेड, मॉड जेड देखिए सबको आना चाहिए, बहुत सिंपल सा है फंडा, यहाँ पे इसको इक्वल टू डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करते हैं, और जो जेड का वैल्यू आता है उसे बोलते हैं सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी आ गई, अब यही अल्फा बीटा की वैल्यू उठा के ही रख देते हैं, तो मॉड जेड मतलब मॉड में, अब इसको रखिए जेड की वैल्यू, तो मॉड अल्फा ले लीजिए, पहले अल्फा रख दीजिए जेड के स्थान पे, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो मॉड में माइनस 1 प्लस का 2i, तो कितना आएगा, रूट में 5 आएगा, क्योंकि रूट में माइनस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 कितना 5, रूट में 5। अब ये रूट में 5 इस 1 से ग्रेटर है कि लेस है, ग्रेटर भाई, 1 रेडियस होता है तो इससे ग्रेटर है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे, फिर दूसरा जेड का दूसरा वैल्यू बीटा वाला, मॉड बीटा, तो मॉड में माइनस का 1 माइनस का 2i, बेटा ये भी रूट में 5 पर आएगा, क्योंकि यक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर होता है, तो चूँकि कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो चाहे माइनस हो, ये भी ग्रेटर। तो ये जो दोनों आपके अल्फा बीटा जो दोनों सिंगुलरिटी आई है ना, ये कहाँ हो गई, बाहर, कर्व के बाहर, ये कर्व के बाहर, तो बोलेंगे हेंस अल्फा एंड बीटा लाइज आउटसाइड द कर्व, कर्व के बाहर। तो जब देखो, जब जो है सिंगुलरिटी जो है जेड का जो वैल्यू आता है अगर वो कर्व के बाहर लाई करता है, तो ऐसे केस में बोलते हैं भाई कॉची थ्योरम, तो वहाँ कॉची थ्योरम लग जाता है। अगर दोनों जो जेड की वैल्यू आई है जिसको सिंगुलरिटी बोलेंगे, अगर वो कर्व के बाहर है दोनों का दोनों, है ना, जितने भी आ रहे हैं सब अगर बाहर हैं, तो वहाँ कॉची थ्योरम लग जाता है, देन भाई कॉची थ्योरम, कॉची थ्योरम, कॉची थ्योरम से क्या हो जाएगा, इस पूरे इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्ट बिना सॉल्व किए आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 0, काम खत्म, इसका सोल्यूशन हो गया, यही काम होता है, ठीक है। आप लोग भाई था जल्दी से उस लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आई। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं, तो मैं एकदम लाइव चला रहता यूट्यूब पे।
अरे सचिन मिश्रा सर, हम वो कन्फर्म करेंगे। प्रवीण राय हो गया भाई, नेक्स्ट देख लीजिए। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे कई क्वेश्चन मैं कराता हूँ, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए है, इंटीग्रेशन सी टू जेड प्लस का वन डी जेड अपान जेड स्क्वायर प्लस का जेड, ठीक है, जहाँ पे सी मॉड जेड इक्वल टू हाफ है। चलो धड़ाधड़ सब करते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड है, ठीक है। तो देखिए अब कुछ नहीं है, अब सोल्यूशन ऐसे करना है आपको, धड़ाधड़ खूब प्रैक्टिस, बहुत आसान है, सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं, समझ फ्री का नंबर उठाते हैं यहाँ पे इसका। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जेड स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है बेटा उसी को इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। तो यहाँ से जेड कॉमन करके जेड प्लस का वन कर देंगे इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का वन। तो यही सिंगुलरिटी है, जीरो माइनस वन ही क्या है आपकी सिंगुलरिटी। अब कर्व ड्रा कर दो, ये मॉड जेड इक्वल टू हाफ समझते हैं, तो कोई चीज ध्यान देना, मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर, ये स्टैंडर्ड है, और ए जहाँ पे सेंटर होता है, आर क्या होता है रेडियस। तो यहाँ पे मॉड जेड माइनस जीरो समझ लीजिए, सेंटर क्या होगा जीरो जीरो, रेडियस क्या होगा वन बाई टू, ठीक सीधा से बात। और एक तरीका है कि जेड के स्थान पर रख दो एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड में एक्स प्लस आई वाई का मतलब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, मॉड में एक्स प्लस आई वाई का मतलब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये भी आपको मिल जाएगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बात नहीं भाई, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, तो अब इसको ड्रा करना चाहे ड्रा कर लो, तो ड्रा करोगे क्या होगा, सीधा सीधा दिख रहा है कि एक सर्कल होगा जिसका सेंटर होगा जीरो जीरो, रेडियस होगा हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ का मा जीरो, तिवारी जल्दी बैठो, माइनस हाफ का मा जीरो, ये हो जाएगा जीरो का मा प्लस हाफ एंड जीरो का मा माइनस हाफ। अब देखो बताओ, मुझे खुद देख के बताओ आप लोग कि ये जीरो कहाँ अंदर लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा, ये जीरो कर्व के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ भाई जेड इक्वल जीरो कर्व के अंदर ही आएगा, और जेड इक्वल टू माइनस वन आएगा कि नहीं आएगा, बाहर भाई, देखो कहाँ तक गया है, खाली प्लस हाफ माइनस हाफ तक ना गया है, तो माइनस एक तो भाई इसके बहुत बाहर हो जाएगा है ना, तो माइनस एक कहाँ हो जाएगा बाहर। तो जब कोई अच्छा, अब चूंकि दोनों अगर बाहर होते तो इसका रिजल्ट क्या होता है जीरो, लेकिन एक को अंदर है, तो जब एक सिंगुलरिटी अंदर या कोई भी सिंगुलरिटी अगर अंदर दिख जाती है तो वहाँ पे कॉची थ्योरम नहीं लगाते, क्या लगाते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला, क्या लगाते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। और फार्मूला क्या है मैं लिखवा दे रहा हूँ, फार्मूला क्या है, एफ ए इक्वल टू है ना, या वन अपॉन टू पाई आई ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए, ये फार्मूला होता है कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है, जिसका छूटा हो कोई दिक्कत नहीं है, सब रिकॉर्डेड है, आराम से देखिए सब क्लियर। तो एफ ए इक्वल टू वन अपान टू पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए, कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है। अब ध्यान देना यहाँ पे बेटा, अच्छा एक तरीका तो ऐसे आपने देख लिया इससे है ना, आपने इससे देख लिया कि कौन सा पॉइंट अंदर आ रहा है कौन सा बाहर आ रहा है, और दूसरा तरीका मैंने और बताया था आपको कि जो कर्व का इक्वेशन है, जो कर्व का इक्वेशन है बेटा, उस कर्व के इक्वेशन में जो जेड की वैल्यू है उसको रख दीजिए, अगर रखने पर जो रिजल्ट आता है वो अगर हाफ से ग्रेटर आएगा तब तो आउटसाइड, और हाफ से लेस आएगा तो इनसाइड, है ना। तो आप देखिए यहाँ देख लीजिए, रख दीजिए जीरो तो मॉड जीरो है ना, मॉड जीरो जीरो ही आएगा, वो हाफ से लेस होगा कन्फर्म है, तो ये क्या हो जाएगा इनसाइड, ये इनसाइड, तो वैसे भी देख रहे हैं इनसाइड है, जीरो ही अंदर पड़ेगा। और यहाँ रख दीजिए क्या, फिर मॉड जेड के स्थान पे जो है जेड के स्थान पे रख दीजिए माइनस वन, तो मॉड में माइनस वन मतलब वन, यह हाफ से ग्रेटर होता है तो कहाँ जाएगा आउटसाइड। ये भी तरीका होता है कि जो कर्व का इक्वेशन दे उसमें जेड का वैल्यू रख दीजिए, जो जेड का वैल्यू आया हुआ है रख दीजिए, अगर रेडियस से बड़ा आता है ग्रेटर आता है तो आउटसाइड, लेस आता है तो इनसाइड, और या तो फिर ड्रा करके देख लीजिए कि वो अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है, दोनों तरीका देखा कीजिए आप, कि जितना आप करेंगे ऐसे उतनी क्लियरिटी या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा है ना, उतना ही फिक्स हो जाएगा एकदम आराम से कर लेंगे आप। तो ये हो गया, अच्छा मैंने बताया था तो ध्यान देना, अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, क्या लगेगा कॉची इंटीग्रल फार्मूला। वो फार्मूला जब लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो इनसाइड रहता है उसके करेस्पॉन्डिंग जो जेड का फैक्टर रहेगा वो नीचे रहेगा, और जो आउटसाइड सिंगुलरिटी जाएगी उसके करेस्पॉन्डिंग जो जेड का फैक्टर है उसको भेज देंगे ऊपर। तो मालूम क्या इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन सी
2z प्लस 1 और dz, पहले यहाँ पे जब z कॉमन करके ही सॉल्व किए ना, तो इसका फैक्टर z प्लस 1, तो ये जो माइनस 1 वाला है ये बाहर है, तो माइनस 1 वाला जो है देखिए बाहर है ना, z इक्वल माइनस 1 तो बाहर है, तो बाहर है तो ये वाला फैक्टर है ना, इसी पे सॉल्व करने में माइनस 1 मिला है ना, इसको भेज देंगे ऊपर और इसको नीचे ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि इसका इसके करेस्पॉन्डिंग जो जेड की वैल्यू मिली है वो इनसाइड है, कर्व के इनसाइड है, तो इसको देखो ऐसे लिख दोगे आप 2z प्लस का 1 अपान जेड प्लस का 1, क्लियर है ऐसे, और dz और अपान जेड, जेड खाली नीचे रहने देंगे, क्योंकि जेड इक्वल जब जीरो मिला है भाई, जेड इक्वल जीरो तो जीरो अंदर है, जो अंदर जिसके करेस्पॉन्डिंग सिंगुलरिटी अंदर आएगी उस फैक्टर को नीचे रखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब ये हो गया, इसको आप जेड माइनस जीरो भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मालूम क्या है, ये जो पूरा पूरा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये हमारा एफ जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एफ जेड, देखो एफ जेड एफ जेड, और अपान में जेड माइनस ए, जेड माइनस ए, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी, जीरो, ए की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, कौन ए की वैल्यू जीरो। अब देखो अगर चाहो तो इसको उधर भेज दो, तो मिल जाएगा मालूम कितना, 2πiFA, मतलब इतने की वैल्यू क्या होगी, 2πiFA होगी, क्या होगी, 2πiFA। तो अब इतने की वैल्यू देखो यहाँ पे एफ जेड भी पता है, एफ जेड भी दिया है ना, और जेड माइनस का ए भी दिया है, ठीक है, जेड माइनस ए भी दिया है और डी जेड, तो हम क्या लिखेंगे, 2πi और एफ ए। अब एफ ए क्या होगा, एफ ए कैसे मिलेगा, एफ जेड में जेड के स्थान पर ए रखने पर एफ ए मिल जाएगा, एफ जेड में जेड के स्थान पे ए रखने पर आपको एफ ए मिल जाएगा, रुक जाओ, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे, तो भाई 2πi एफ ए, एफ ए कैसे मिलेगा, एफ जेड में जेड के स्थान पे ए रख दीजिए, है ना, तो मैं एफ ए लिख ही देता हूँ। अच्छा अब क्या करेंगे, एफ ए कब मिलेगा, एफ जेड में जेड के स्थान पे, तो एफ जेड कौन सा है, यही पूरा एफ जेड है, कौन, 2z प्लस 1 अपान जेड प्लस 1, तो यह क्या लिख देंगे, जेड के स्थान पे ए, लेकिन ए की वैल्यू है कितनी, जीरो, तो आप इसी में जेड के स्थान क्या रख देंगे, जीरो, तो बताओ क्या आएगा, आप खुद बताओ देख के, 2πi जेड के स्थान पे जीरो, तो 2z मतलब खत्म साफ, ऊपर खाली 1 बचेगा और 0 प्लस 1 मतलब 1 बचेगा, तो 2πi इंटू 1 मतलब रिजल्ट आपका आ गया 2πi, यही बेटा आपका आंसर, आइडिया लगा, देखिए नहीं, जो देखो शुरुआत से पढ़े हैं ना, ठीक है भैया, हो गया, देखो कुछ है नहीं, बस जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लेंगे उतने ही एकदम मज़ा है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बता दिया ना, इससे क्वेश्चन अगर आ गए ना तो जान लीजिए कि पूरा एकदम आते हैं, गारंटी आते हैं। और इसके क्वेश्चन को जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने बताया था आप लोगों को कि और किससे लगता है, और किससे लगता है, याद है किसी को, मैं बताया था ना कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला का जो क्वेश्चन होता है यह और भी क्वेश्चन से लग जाता, मतलब एक और नियम से लग जाता है इसका क्वेश्चन, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, रेसिड्यू थ्योरम, तो रेसिड्यू थ्योरम से जो है जितने भी क्वेश्चन कॉची इंटीग्रल फार्मूले के रहेंगे ना, सब रेसिड्यू थ्योरम से लग जाते हैं, यहाँ तक कि देखो कितना सिंपल है ये भी, लेकिन जब कॉची रेसिड्यू थ्योरम पढ़ लोगे ना तो वो और सिंपल होता है। मैंने देखा है कि 100 में से 99% बच्चे जब कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्वेश्चन आता है उसे रेसिड्यू वाले से ही लगाते हैं, सोच लीजिए रेसिड्यू वाला इससे भी सिंपल होता है तरीका, उसी से लोग लगाते हैं, जबकि मुझे लगता है कि ये भी सिंपल, इसमें कुछ भी है नहीं विशेष अगर देखा जाए तो। देखिए अब आगे, ठीक है तिवारी, चलो अब देखो ये क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, था देखिए क्या हिसाब किताब लग रहा है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ गया अभी, कहाँ गया, हाँ चलो ये दे देता हूँ, क्वेश्चन है साइन जेड टू द पावर 6 जेड माइनस का पाई बाई 6 क्यूब डी जेड वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1 वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1 एक आठ और लिख दें एक और लिख देते हैं वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1 ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन और लिख देते हैं यहाँ पे, ए फर्स्ट ए सेकेंड दो क्वेश्चन एक साथ लिख देते हैं, ये भी क्वेश्चन ठीक है आपका, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर ठीक है अपान जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 और डी जेड, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा भी गया अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो,
ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखिए अभी सब चीज़ों को देख लेंगे, तुरंत लगा लेंगे भाई, आप लोग बहुत तेज हैं, कोई समस्या नहीं। अभी आप बस खाली मालूम है एक टाइप के क्वेश्चन से भी वंचित हैं, जैसे मैं अभी आप देख रहे हैं कि आपको सिंगुलरिटी मिल रही है, तो अगर सब सिंगुलरिटी बाहर तो आप तुरंत जीरो बोल दे रहे हैं, एकाक सिंगुलरिटी अंदर है तो आप उस वाले फैक्टर को नीचे करके और सबको ऊपर भेज के लगा दे रहे हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। आपने ये भी देखा कि कोई सिंगुलरिटी रिपीट कर रही है तो आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव का भी एक दो क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन अभी आपने ये नहीं देखा कि कोई क्वेश्चन जिसमें दो दो सिंगुलरिटी अलग अलग हो और अंदर हो, दो सिंगुलरिटी अलग अलग हो और अंदर हो, ऐसा क्वेश्चन अभी आपने नहीं देखा, वहाँ लग जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज मैं उसको बताऊँगा और ये वाला क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। पहले आइए देखते हैं हम लोग, अरे अरे एक चीज़ मैं छोड़ दिया, मॉड जेड इक्वल टू थ्री, मॉड जेड इक्वल टू थ्री, मॉड जेड भाई सब कर मालूम होना चाहिए सबका, एक दिया रहेगा कन्फर्म, तभी पता कर पाएंगे ना कि इनसाइड है कि आउटसाइड है। ठीक है भैया, चलो ध्यान दो, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, एकदम ईजी। पहला क्वेश्चन, सिंगुलरिटी निकालते हैं, क्या है सिंगुलरिटी बताओ कैसे करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसी को इक्वल टू जीरो कर दोगे, तो जेड माइनस का पाई बाई सिक्स का क्यूब ना इक्वल टू जीरो, मतलब हमें जेड की वैल्यू बेटा मिलेगी पाई बाई सिक्स, वही रिपीट करके मिलेगी पाई बाई सिक्स पाई बाई सिक्स पाई बाई सिक्स, क्लियर ना, मतलब पाई बाई सिक्स आप एक बार लिखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, तो रिपीट करके मिल गई हमको। तो जब जब कोई सिंगुलरिटी रिपीट करके मिलती है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर अगर हमें कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाना हो तो कौन सा आएंगे, nth डेरिवेटिव वाला फार्मूला, क्या था nth डेरिवेटिव फार्मूला क्या लिखवाया था, एफ एन ए और क्या था, टू पाई आई भी लिख देते हैं और अपान फैक्टोरियल एन और इंटीग्रेशन सी एफ जेड और जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस वन, ये nth वाला है, जब कोई सिंगुलरिटी रिपीट करती है तब ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, बहुत आसान, कुछ नहीं है देखिए इसमें। तो अब देखो पहले पता करना कि अंदर है कि बाहर है, क्योंकि अंदर होगा तब हम लगाएंगे ये सब फार्मूला, अगर बाहर होगा सिंगुलरिटी तुरंत रिजल्ट क्या कर देंगे, जीरो बाई कॉची थ्योरम है ना। तो अब पाई मतलब समझते हैं, अब इसको ऐसे समझ लीजिए, पाई बाई सिक्स मतलब 3.14, इसको ऐसे समझो पाई मतलब 3.14 बाई सिक्स है ना। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये रिजल्ट जो भी आएगा इसके अंदर ही होगा, क्यों, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे 6 से डिवाइड करोगे 0.52 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स में लिख देता हूँ ऐसे करके है ना, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है कि वैल्यू कितनी आ रही है, हमें बस इतना पता लग जाए अंदर की बाहर, बस इतना ही। अगर और भी समस्या अगर आपको देखना है तो पाई बाई सिक्स को आप यहाँ रख देते हैं मॉड में है ना, तब भी वो पाई बाई सिक्स के रूप में बाहर आता, और पाई बाई सिक्स मतलब कि 3.14 बाई सिक्स वो कन्फर्म है कि वन से क्या होगा, लेस होगा, वन से लेस होगा है ना। तो ऐसे भी देख सकते हैं, तो अगर ड्रा करेंगे आप इसको ड्रा भी करोगे तो ये वन रेडियस का सर्कल होगा, तो कन्फर्म है भाई जो 0.52 इसी के बीच में कहीं आएगा, तो ये पॉइंट जो है यह इसके अंदर ही आएगा, तो इनसाइड तो कौन सा लगाएंगे, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, क्योंकि रिपीट कर रहा था बेटा, क्योंकि जेड माइनस पाई बाई सिक्स का क्यूब है ना, तो क्यूब है तो जब भी जेड माइनस ए का स्क्वायर मिले, क्यूब मिले, पावर फोर मिले, तब यही लगेगा फार्मूला। अब चलो मेरे बात ध्यान से सुना है, अब बहुत बात ध्यान से सुनिए यहाँ पे, अब आते हैं सोल्यूशन पे। नाउ देखो यहाँ पे कितना सिंपल, साइन जेड लिखेंगे बेटा, पावर सिक्स है, ठीक है बहुत बढ़िया कोई बात नहीं, जेड माइनस का पाई बाई सिक्स है, इसका क्यूब है ना, और ओवर द कर्व सी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इससे मिलाइए तो लिखिए पहले साइन जेड टू दी पावर सिक्स लिखिए, और इसके रूप में लिखो एन प्लस वन के रूप में लिखो, तो जेड माइनस का पाई बाई सिक्स टू दी पावर टू प्लस वन हो जाएगा ना, भाई थ्री लाना है और एन प्लस वन के रूप में लिखना है, टू प्लस वन, और आपका देखिए डी जेड में छोड़ दे रहा हूँ, डी जेड लिखना है आपको, ठीक है ना। अब देखो एफ जेड कौन है, यही तो एफ जेड है, देखो एफ जेड ऊपर वाला एफ जेड हो गया, और जेड माइनस ए, ए कौन है, पाई बाई सिक्स हमारा ए है, क्लियर। एन कौन है, टू, एन की वैल्यू कितनी है, टू है, बस काम खत्म। तो इसका रिजल्ट कौन आएगा, ए आएगा, ए वाला, तो एफ एन ए मतलब समझते हैं, अब एन का जगह टू रहेगा तो एफ डबल डैश है, जो यहाँ पर एन मतलब जो भी ऊपर रहेगा ना, वन टू जो भी आएगा उतना डेरिवेटिव, उतना डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा टू पाई आई अपान फैक्टोरियल एन, तो एन की वैल्यू टू, तो अपान फैक्टोरियल टू, फिर एफ एन ए, तो एफ एन ए एन की वैल्यू टू, तो यहाँ टू मतलब समझते हैं डबल डैश, टू मतलब डबल डैश, तो एफ डबल डैश ए। अब आपको एफ डबल डैश ए की वैल्यू चाहिए, अब ये कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल तरीका, जो भी एफ जेड है
जो भी एफ जेड है उस एफ जेड को आप दो बार प्रणाम सर नहीं अभी इसमें नहीं है नहीं नहीं मैथ मैथ केमिस्ट्री कोई कॉम्बिनेशन नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ ठीक है। अब ये डबल डैश से निकालना है आपको तो जो भी एफ जेड दिया है उसी को दो बार डिफ्रेंशिएट करके क्या कर देंगे आप उसी में जेड के स्थान पे ए रख देंगे आपको एफ डबल डैश से मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। अब निकाल लीजिए एफ डबल डैश से, ये कैसे निकलेगा? एफ जेड कौन है एफ जेड? एफ जेड है बेटा आपका साइन जेड टू दी पावर सिक्स, मतलब साइन टू दी पावर सिक्स जेड, ऐसे भी तो कर सकते हैं, मतलब एक ही है। अब क्या निकालना है हमको? एफ डबल डैश से निकालना है ना, तो एफ डबल डैश जेड निकालोगे और फिर जेड के स्थान पे ए लिखोगे, है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको एफ डैश जेड एफ डैश ए निकालना है तो एफ जेड को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे जेड के स्थान पे ए रख दोगे। आओ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ डैश जेड कितना आएगा बताओ? कौन आएगा भाई? सिक्स आगे आ जाएगा ना, कॉस जेड, है ना। अब इसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट, है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखो यहाँ पे सिक्स को बाहर रखो आप, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन तो माइनस हो जाएगा साइन जेड तो सिक्स कर दे, है ना। अब प्लस सेकंड फंक्शन कॉस जेड, इसका डिफरेंशिएशन फाइव साइन जेड और फिर साइन का कॉस, अच्छा फोर हो जाएगा और फिर कॉस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर जेड, यही ना आएगा। अब क्या करना है? एफ डबल डैश ए निकालना है। ए मतलब कितना? ए का वैल्यू कितना? पाई बाई सिक्स, तो सिक्स और जहाँ जेड है वहाँ पाई बाई सिक्स रख दीजिए तो माइनस और साइन जेड मतलब साइन पाई बाई सिक्स, तो साइन पाई बाई सिक्स के पावर सिक्स, है ना। और प्लस का फाइव और कॉस पाई बाई सिक्स का स्क्वायर, फिर साइन पाई बाई सिक्स के पावर फोर। अब बताओ सॉल्व में कितना आएगा? अब एक हो जाएगा आपका एफ डबल डैश ए इक्वल टू मिल जाएगा सिक्स। अब बताओ साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू मतलब साइन तीस का भाई एक बड़ा दो, तो एक बड़ा दो का पावर सिक्स करेंगे तो दो चार आठ सोलह बत्तीस चौंसठ, तो वन अपॉन सिक्सटी फोर, ठीक है। प्लस का फाइव कॉस पाई बाई सिक्स की वैल्यू रूट में थ्री बाई टू, तो चूंकि स्क्वायर है तो थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ पे वन बाई टू का, वन बाई टू के पावर फोर, तो एक बड़ा सोलह, तो यह पंद्रह बटा चौंसठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? ए हो जाएगा चौंसठ, फिर पंद्रह में से एक जाएगा चौदह, ये जाएगा चौदह बटा चौंसठ, ये देखिए ना। अब कटेगा कुछ? दो से काट दें, तीन और बत्तीस, है ना, तो हो जाएगा अच्छा दो से काट देंगे इसको, तीन हो जाएगा ये बत्तीस हो जाएगा, फिर दो से काट दीजिए ये सात हो जाएगा, ये सोलह हो जाएगा, इक्कीस बटा सोलह हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं टू पाई आई फैक्टोरियल टू, और अब डबल डैश एक आ गई ट्वेंटी वन अपॉन सिक्सटीन, है ना, तो कितना मिल जाएगा आपको? फिर ये दो से दो काट दें, ये बड़ा कट ही जाएगा, तो ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन पाई आई अपान सिक्सटीन, ये आपका आंसर, ठीक है, कर लीजिए। आराम है,
उनके दूसरा क्वेश्चन बताएं, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, एक दिन मर से मर जाए। सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सोल्यूशन ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है ना, क्या करेंगे, सिंगुलरिटी निकालेंगे। सिंगुलरिटी क्या करेंगे, जेड माइनस वन और जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो। क्लियर है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही बैठ जाओ। क्या जी, इधर बैठो ना, इधर इस साइड बैठो, इधर हो जाओ। हाँ ठीक वाली भैया है। जेड माइनस वन जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो आपको जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, वन कामा टू। अब हमको ये देखना है ना कि जो जेड की वैल्यू वन कामा टू मिली है, वह कर्व जेड मॉड जेड इक्वल थ्री के अंदर की बाहर है, साफ है, साफ दिख रहा है। मॉड जेड इक्वल थ्री मतलब सेंटर जीरो जीरो, इसको किससे कंपेयर करेंगे, मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर से, तो इसको मॉड जेड माइनस जीरो समझ लीजिए। तो ए की वैल्यू जीरो मतलब सेंटर जीरो जीरो, और रेडियस कितना, रेडियस थ्री। तो जब रेडियस थ्री होगा, तीन रेडियस से सर्कल होगा, तो एक और दो उसी के अंदर है ना आएंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे भैया मैं ऐसे तो नहीं ड्रा करना चाहिए, एकदम बराबर ड्रॉ करना चाहिए। मान लीजिए थ्री का मा जीरो, ये माइनस थ्री का मा जीरो है ना, तो ऐसे केस में भैया इधर वन इधर टू ऐसे मान लीजिए, तो यही आपका वन है, आपका क्या है टू, तो अंदर ना आएगा। और दूसरा तरीका कि जब यहाँ मॉड जेड इक्वल टू थ्री है, तो जेड के स्थान में जब वन रखोगे तो मॉड वन की वैल्यू वन आती है, और वन थ्री से लेस होगा ना, तो अंदर। फिर टू रखोगे तो मॉड टू भी थ्री से लेस ही होगा, वो भी अंदर। रख के भी देख लेते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। अगर रेडियस से कम आएगा ये वैल्यू तो अंदर है ना, अगर रेडियस से ज़्यादा आएगा तो बाहर। और ऐसे ड्रा करके भी देख सकते हैं, दोनों देखा कीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप कोई भी एक यूज करके तुरंत पता, बस एग्जाम खाली ये पता करना है आपको कि अंदर की बाहर, बस पता कर लिया, अब फिर लगा दीजिए फार्मूला। तो दोनों अंदर है। अब देखो एक क्वेश्चन थोड़ा अलग हुआ, अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले थे जिसमें दो सिंगुलरिटी अलग अलग हो और दोनों अंदर हो। तो जब दोनों अंदर हो, दोनों सिंगुलरिटी अलग अलग, दोनों अंदर हो, तो वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। याद रखिएगा हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन, जब सिंगुलरिटी आपको मिले, मोर देन वन सिंगुलरिटी इन साइड द कर्व मिले, जब मोर देन वन सिंगुलरिटी इन साइड द कर्व मिले। ये देखो हमेशा आपके पास जो फार्मूला है, ध्यान देना, कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो आपके पास है वो यही है, एफ जेड अपान जेड माइनस ए है। जेड माइनस ए का स्क्वायर हो सकता है, जेड माइनस ए का क्यूब हो सकता है, जेड माइनस ए का पावर फोर मतलब एक का जेड माइनस ए का ही पावर फोर क्यूब हो सकता है। ऐसा नहीं जेड माइनस ए अपान जेड माइनस बी, ऐसा कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है कि जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी हो, ऐसा कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है। आपने सेम के लिए पढ़ा है, जेड माइनस ए हो अपान में, या जेड माइनस ए का स्क्वायर हो, या क्यूब हो, पावर एन हो, या एन प्लस वन हो, आप यही पढ़े हैं, मतलब एक का टाइप की सिंगुलरिटी का पढ़ा है, तो आपको उसी रूप में बनाना है, अपान जेड माइनस ए के टाइप का ही बनाना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन किसका करेंगे, वन अपान जेड माइनस वन और जेड माइनस टू का करेंगे। भाई देखो ए एफ जेड दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है ना भाई। जो सिंगल अगर मान लीजिए इसमें कोई, अगर मान लीजिए तीन फैक्टर होते, एक को मान लीजिए बाहर होता तो उसको ऊपर लेके एफ जेड बोल देते, तो पूरा एफ जेड रहता। लेकिन ये दोनों अंदर हैं, तो हम खाली इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए अपान पार्शियल फ्रैक्शन जेड माइनस वन प्लस बी अपान जेड माइनस टू। अब बताओ कितना आएगा, वन इक्वल टू ए जेड माइनस टू और प्लस बी जेड माइनस वन। अब पुट कर दीजिए, अब जेड इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू वन पुट करेंगे, ये वाला पार्ट साफ हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ देखो वन इक्वल टू जेड इक्वल टू वन बेटा ए वन माइनस का टू मतलब माइनस का वन, तो ए इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का वन। क्लियर है, जेड इक्वल टू टू पुट कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन आता है ना सबको, टू पुट कर दो ये पूरा साफ हो जाएगा। तो वन इक्वल टू बी और जेड के स्थान में टू, टू माइनस वन कितना आएगा वन, तो बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा वन, मिल गई वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी मिल गई वन, बी की माइनस वन, बी की वैल्यू कितनी मिल गई प्लस वन। तो वन अपान जेड माइनस वन और जेड माइनस टू बेटा हो गया क्या, माइनस वन अपान जेड माइनस वन और प्लस वन अपान जेड माइनस टू। क्लियर है। अब देखो अब जो हमारा क्वेश्चन है ना, हमारा क्वेश्चन देखो ऐसा हो जाएगा, क्वेश्चन है सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस का कॉस पाई जेड स्क्वायर अपान जेड माइनस वन, यही क्वेश्चन है, जेड माइनस का टू है ना बेटा डी जेड। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी साइन, ये दो पार्ट में हो जाएगा, पाई
जेड स्क्वायर और प्लस का कॉस पाई जेड स्क्वायर है ना। और देखो अब यहाँ कि इसके स्थान पे, इसके स्थान पर वन और पाँच जेड माइनस वन और जेड माइनस टू इन टू के रूप में इसके स्थान पे ये लिखेंगे, तो पहला वाला आ जाएगा माइनस और अपान जेड माइनस वन, फिर प्लस और डी जेड प्लस, फिर दूसरा वाला हो जाएगा इस तरह से ये वाला पार्ट तो प्लस में रहेगा क्योंकि ये प्लस में ही है, तो लिख देंगे साइन पाई जेड स्क्वायर और प्लस का कॉस पाई जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा, और अपान जेड माइनस का टू और डी जेड। बात समझ में आ रही है, ऐसे हो जाएगा दो, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये फिक्स है और इसके स्थान पर लिखना है दो पार्ट में करके, है ना, दो पार्ट में करके लिख दिया, ए फिक्स है दोनों में, यहाँ लिख दिया माइनस वन अपान जेड माइनस वन, देखो है ना, फिर प्लस वन अपान जेड माइनस टू, तो प्लस वन अपान जेड माइनस टू। अब यहाँ पे बड़े आराम से क्या लगाएंगे आप, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अब कॉची इंटीग्रल फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है ना, टू पाई आई, देखो टू पाई आई एफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे अभी कर सिंगुलरिटी है ना, अब एक सिंगुलरिटी है एक सिंगुलरिटी है, इसलिए आप जो सिंपल फार्मूला है वही लगाएंगे, एफ जेड और जेड माइनस ए और डी जेड ओवर कर्व सी, ठीक है ना, ओवर कर्व क्या हो जाएगा सी, ठीक है बराबर। अब देखो क्या हो जाएगा, अब बताओ यहाँ पे कितना होगा, बताओ ध्यान से, तो ये ऊपर वाला एफ जेड है ना, अब इसके बाद ए की वैल्यू कितनी वन और यहाँ ए की वैल्यू कितनी टू, तो क्या हो जाएगा टू पाई आई एफ ए, तो एफ जेड जो है उसी में जेड के स्थान पे ए मतलब वन, जेड के स्थान पे वन रख दीजिए, वन क्या मिल जाएगा माइनस साइन पाई, क्लियर है, प्लस एक्चुअली माइनस आ गया ना, तो इसको भी लिखो माइनस, या माइनस को कॉमन कर लो, साइन पाई प्लस कॉस पाई, क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ, इसके लिए वही हाल, टू पाई आई फिर यफ ए मतलब है ना, जो एफ जेड है उसमें जेड के स्थान पे ए रख दो, मतलब टू रख दो, इसके लिए एक वैल्यू टू है तो साइन टू मतलब फोर पाई और प्लस का कॉस फोर पाई। अब इसको बताओ कितना आएगा, माइनस टू पाई आई साइन पाई की वैल्यू, साइन नब्बे प्लस नब्बे कॉस नब्बे माइनस जीरो, जीरो ना, साइन पाई जीरो होता है भाई साइन पाई मतलब साइन 180, साइन नब्बे प्लस नब्बे कॉस नब्बे और कॉस नब्बे जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो और कॉस पाई माइनस वन होता है, ठीक है, और प्लस का टू पाई आई साइन फोर पाई जीरो, साइन फोर भाई साइन पाई साइन टू पाई साइन थ्री पाई सब जीरो होता है ना, और कॉस जो है जो आपका होता है ऑड में साइन पाई साइन थ्री पाई वो माइनस वन के पावर एन के रूप में होता है, ठीक है ना, ये जितने भी साइन के होते हैं साइन पाई साइन टू पाई साइन थ्री पाई सब जीरो, साइन के वन कब मिलती है वन में जब पाई बाई टू में आता है ना, तो ये हो जाएगा कितना जीरो, और कॉस फोर पाई इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, तो देखो एच वी इवन है तो वन, ऑड है तो माइनस वन, तो ये हो जाएगी, देखो यहाँ पे ये चीज़ याद रख लो, साइन एन पाई जीरो और बेटा कॉस एन पाई माइनस वन टू दी पावर एन, ऐसे समझो, तो जब ऑड लेंगे आप ऑड लेंगे है ना, जब ऑड लेंगे तो यही चीज़ पावर जो है ऑड रहेगा तो माइनस वन आएगा, और यहाँ जब इवन रहेगा तो प्लस वन आएगा, ऐसा होता है कॉस, ठीक है ना, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ ऑड था ना, यहाँ ऑड था तो माइनस वन, देखो वन इंटू पाई है ना तो माइनस वन, एन के वैल्यू वन है यहाँ पे, यहाँ कितना एन के वैल्यू फोर है, कॉस एन पाई फोर है, तो आपका हो जाएगा इवन तो माइनस वन के पावर फोर मतलब प्लस वन, क्लियर है ना, मिटा दूँ इसको अब देखो यहाँ पे, तो ये कितना जगह सॉल्व कर लो, माइनस इसको ऐड करेंगे तो माइनस वन आएगा, अब माइनस टू पाई आई इन टू माइनस आई तो प्लस टू पाई आई और प्लस टू पाई आई कितना फोर पाई आई, ये आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्या हो गया कौन जेपी है भाई, अच्छा क्या हुआ जेपी क्या इसमें कोई दिक्कत, बताओ नहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, अगर कोई समस्या है पूछे, क्योंकि ये सब बड़े इजी होते हैं
इन ले जाइए मत आप, 4πi आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए यही रहेगा।